अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरह हम अपने HP laserjet 2015 की सर्विस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। ये HP laserjet प्रिंटर है, तो सबसे पहले इसको हम ओपन करेंगे। सबसे पहले इसको हम खोलते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसकी बैक साइड पे ये यहाँ इसके लॉक होते हैं, ये इसका साइड वाला कवर उतर जाएगा। तो दोस्तों फिर इसका ये दूसरी साइड वाला कवर, अब यहाँ इसके पेच लगे हैं, इनको खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे पेच खोल दिए इसके, ये आसानी से जुदा हो गए यहाँ से। इसके बाद ये इधर साइड पे नट लगा है, इसको प्रेस करेंगे, ये आ गया। ये ऊपर वाला कवर भी इसका उतारना है। एक यह नट लगा दे, पहले लूज है। दोस्तों आप इसका ये ऊपर वाला कवर, ये हमने इसको जुदा कर लेना। ये इसकी डाटा केबल है, ये उतार देंगे यहाँ से। ये कवर भी इसका उतर गया। तो दोस्तों इसकी ये काटे, ये भी बाहर निकाल दिए। दोस्तों ये काटे मैंने बाहर निकाल दी थी। तो इसके बाद इसका ये स्कैनर यूनिट है, इसको इससे जुदा कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये इसके स्कैनर की केबल है और ये इसके डेटा केबल, ये भी यहाँ से उतार देंगे। ये साइडों पे चार नट लगे हैं स्कैनर के, ये भी खोल लेंगे। ये इसका स्कैनर है, जिससे जुदा कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये इसके कवर ओपन हो गए और इसकी स्कैनर भी जुदा हो गया। इसके बाद ये ट्रे है इसकी, ये भी निकाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसको ब्लोर करेंगे।
दोस्तों इसको अच्छी तरह ब्लोर करना है कि अंदर से जितना भी कचरा वगैरह सब निकल जाए। उसके बाद इसकी बैक हम ब्लोर करेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे इसको ब्लो कर दिया हमने। इसके बाद कपड़े की मदद से हम अंदर से हल्का हल्का साफ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल साफ हो गया। अब दोस्तों जब भी इसकी सर्विस करनी है इसको सारा खोल के फिर सर्विस करनी है। कुछ लोग इसी तरह इसको ब्लोर करते हैं जिसकी वजह से इसका रिजल्ट डाउन हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्कैनर लगा होता है। जब स्कैनर के अंदर कचरा वगैरह चला जाता है तो इसका रिजल्ट डाउन हो जाता है। इसलिए कभी भी ये गलती नहीं करनी है, इसको बंद करके ब्लोर नहीं करना। जब भी इसको ब्लोर करना है तो ये स्कैनर निकाल के तो फिर ब्लोर करना है इसको। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसको ब्लोर कर लिया सारा, और इसके बाद का पता लगाया इसको। इसके बाद दोबारा मैं इसको ब्लोर करूँगा। ठीक हो गया दोस्तों, अब दोबारा फिटिंग शुरू करते हैं। फिर दोस्तों उसी तरह फिट करना जिस तरह हमने इनको इसको खोला था, उसे दोबारा फिट करेंगे। ये स्कैन की साइड वाली केबल लगा दी, इसके बाद ये डाटा केबल है। अब इसको हम नट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसका टॉप कवर है। अब इसको इसके ऊपर लगाएंगे। दोस्तों ये ऊपर वाले जो ऑन ऑफ लगे हैं, ये लाइट वगैरह उसकी के बजे हमने लगा दी। इसके बाद ये बैक साइड वाला टॉप है इसका, ये बैक साइड वाला कवर लगाएंगे।
ठीक है दोस्तों, ये बैक साइड पे हमने सारे नट लगा दिए, एक इधर साइड पे नट था। तो दोस्तों लास्ट पे हम जो कॉटेज है इसकी, इसको ब्लोर करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले आगे से प्रेस करेंगे, फिर इधर पीछे से प्रेस कर देंगे। अब दोस्तों इसको ज़रा ब्लोर करेंगे कि जो कचरा वगैरह है वो भी निकल जाए। ठीक है दोस्तों, कॉटेज लगे इसके बाद इसकी ट्रे फिट करेंगे। अब ट्रे को भी ब्लोर करेंगे। ट्रे हम इसके अंदर फिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी सारी सर्विस हमने कर दी है। इसके बाद आखिर पे हम इसके जो अंदर पेपर पिक रूले होते हैं उनको एक दफ़ा साफ़ करेंगे, क्योंकि हमने इसको ब्लोर किया है तो उसकी वजह से इनके ऊपर हल्का हल्का गर्दा वगैरह लग जाएगा, जिसकी वजह से पेपर लेट उठाएगा। ये इसका पेपर, फर्स्ट डे का पेपर उठाने वाला रूलर है। ये साइडों पर लॉक बने होते हैं छोटे छोटे, इसको थोड़ा सा हम ऊपर को प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम किसी भी साफ कपड़े से, कपड़े के साथ इसको साफ कर सकते हैं। साफ कपड़े के साथ हल्का सा पानी वगैरह लगा लें, उसके बाद इसको साफ करें, क्योंकि इसके ऊपर जो कचरा होता है वो साफ हो जाएगा। अगर आपके पास मिट्टी का तेल है तो उसके साथ साफ कर लें, नहीं वो पानी के साथ भी साफ कर लें तो ये साफ हो जाएगा। अब इसको दोबारा हम लगा लेंगे इसके ऊपर, ये इसका कवर है। इसके बाद इसका जो नीचे ट्रे वाला रोलर उसको साफ करें एक दफ़ा। ये नज़र आ रहा है इसका रोलर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसको भी उसी तरह, या पानी के साथ कपड़े को थोड़ा सा भगो लेना, उसके साथ साफ करना है, या आपके पास मिट्टी का तेल है या थिनर है तो उसके साथ इसको साफ कर लें। ठीक है दोस्तों, ये हमने सारे प्रिंटर की सर्विस कर दी है। ये थोड़ा सा टाइम लगता है तो आपके प्रिंटर की लाइफ दोबारा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।